Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please subscribe to my YouTube channel, guys. Whatever. पालक के साथ रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। पालक पनीर पनीर भिगो के रखे हैं। एक घर की पालक है, तोड़ के रखे हुए हैं। ये हम लोगों ने टमाटर लिया है दो, प्याज लिया है दो, और मिर्ची लिया है तीन चार, हरी मिर्ची लिया है, और लहसुन लिया है, अदरक लिया है। इसको पेस्ट बनाएंगे, फिर आप लोगों के साथ चौके भी मिलेंगे। दोस्तों ये पालक काट लिया है, थोड़ा छोटा छोटा करके काट लिया है। ये टमाटर भी काट लिया है छोटे छोटे करके, और ये भी प्याज काट लिया है। अदरक है, लहसुन है, मिर्ची नहीं खाते है, छोटी बच्ची है हम लोग के घर में, इसलिए कम ही लिया है। बाद में कच्चा जो लगते मिर्चा खा लेंगे। अब इसका कढ़ाई बैठा है, पानी डाला थोड़ा सा। दोस्तों ये पानी उबलना चाहिए, थोड़ा सा हम बॉयल करेंगे इसमें पालक को। पालक डाल दिया है इसमें, इसको थोड़ा ढक लेंगे तो ये उबल जाएगा। बॉयल थोड़ा सा, दो मिनट बॉयल करना होता है, इतना ज्यादा नहीं। दोस्तों हम लोगों ने पालक को बॉईल कर लिया है, दो मिनट ही बॉईल किया है हम लोगों ने, दो या तीन मिनट। तो इसको ठंडा करके हम लोग इसको पेस्ट बनाएंगे। दोस्तों इसका भी पेस्ट बनाएंगे। ये सरसों का तेल डाला थोड़ा सा ही, बाद में फिर प्याज डालना है थोड़ा, एक प्याज दो प्याज कटा था थोड़ा सा बाद में रख देंगे, और फिर मिर्ची भी डालना, लहसुन भी डालना। नमक जीरा पाउडर है इसमें डाल लेंगे। एक बना थोड़ा सा धनिया पाउडर भी लिया है। कैसा हल्दी
पिसा हुआ टमाटर था इसी में डालेंगे। दोस्तों थोड़ा समय इसको फ्राई करेंगे क्योंकि इसका कच्चा जो स्मेल आता है ना इसका लहसुन का टमाटर का वो स्मेल चला जाए, इसीलिए थोड़ा समय ही इसको फ्राई करेंगे, बाद में इसको भी पेस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों हमने ये इसका पेस्ट कर लिया है, ये पालक का पेस्ट, ये टमाटर, प्याज, अदरक नोहरू, अदरक लहसुन नोहरू बोलते हैं असम में, इसलिए नोहरू आ गया। असम में असम का भाषा दूसरा ही होता है। तो यहाँ पर तेल डाले हमने सरसों का थोड़ा, पाँचफोरन थोड़ा सा डाले हैं हमने। तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं और मीठी जीरा वो बोलते हैं ना क्या, मीठी जीरा वो भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो अभी थोड़ा कलर आने का, इसका कलर आ गया है, इसमें दो मिर्ची, फिर तेजपत्त और ये प्याज ना बहुत ही है। इसमें हम लोग तो पेस्ट को ही यहाँ पर दे रहे हैं। हल्दी और नमक मसाला पहले डाल चुके थे टमाटर के पेस्ट में, तो इसीलिए हम लोग इसमें नहीं डालेंगे अभी इसको, पालक को, पालक का पेस्ट को फ्राई करेंगे। टमाटर, प्याज, मसाला है इसको भी यहीं पर। धीमी आंच में भूजेंगे दोस्तों क्योंकि इसका थोड़ा समय लगेगा, इसका तेल निकालना पड़ेगा। इसमें थोड़ा मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा मिर्ची पाउडर से कलर आता है। चाहे तो दोस्तों इसमें आलू भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, तो हम लोगों ने नहीं था इसलिए आलू तो हम लोगों का घर में नहीं चलता है, इतना कच्चा आलू बॉयल करना पड़ता है आलू, तो मटर नहीं था इसीलिए पालक के ही बनाया। इसको धीमी आग में उनसे जल जाता है, ये थोड़े थोड़े आग में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। बस
मिनट लगेगा अभी तो आग में है ना, तो गैस में होने से धीमी आंच से 10-15 मिनट लगता है। अभी आग में तो थोड़ा कमती होता है ना, थोड़ा सा आग देने से भी थोड़ा तेज हो जाता है, आग तो जल जाता है, तो धीरे धीरे करना पड़ता है। कितना समय, 15 मिनट तक लग जाता है, 10-15 मिनट। खुशबू दोस्तों अच्छा आ रहा है, इसका खुशबू खाने। हेलो दोस्तों, ये हो चुका है मेरा पालक पनीर, अच्छे से इतना अच्छा लग रहा है कलर। अरे इसका कलर कितना अच्छा, देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हो गया है, हम साफ करके दिखाएंगे दूसरे बर्तन में। अब ये गाढ़ा भी हो गया है, इतना अच्छा। हेलो गाइस, कितना अच्छा बना हुआ है। हमारी ये टेस्ट करने वाली है यहाँ पर, इसी को टेस्ट कराएंगे, ये टेस्ट करेगी कितना अच्छा बना हुआ है मेरा पालक पनीर। गरम है थोड़ा सा, हम खिला देंगे। कैसा लगा? यम्मी है, बहुत अच्छा बना है ये, पूरा गरम पनीर है। पनीर थोड़ा छाल हुआ है क्या? जान लगा हुआ है? नहीं, गरम है थोड़ा। गरम है, अच्छा है ना टेस्ट? बहुत। मैं भी थोड़ा सा चख लूंगी। वाओ, कितना अच्छा बना हुआ है दोस्तों। ओह माय गॉड, वाओ। मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा है वीडियो। आप लोगों ने देखिएगा, पूरा पूरा वीडियो देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा प्लीज दोस्तों। आपको ये पालक पनीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे घर में बना के देखिएगा। सिंपल पालक पनीर है, हम लोग जैसे खाते हैं घर में वैसे ही बनाया हुआ है, तो हम लोग इतना रेसिपी देख के नहीं बनाया, आपने खुद से बनाया हुआ है, इसे खाते हम लोग।